उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी। और अब हमारे साथ हमारी अगली कवि व्यक्ति जुड़ रही है, और इनका नाम है गायत्री ठाकुर जी, और आप सक्षम उपनाम के साथ लिखते हैं। आपका पूरा नाम है गायत्री ठाकुर सक्षम, और आप भी एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, और आपने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया है। आप बीएड कर चुकी हैं, और आपके साझा काव्य संग्रह 20 से ज्यादा है, और आपका एक राष्ट्रीय बाल संग्रह है वो भी साझा है। आपने कोरोना काल का सच का राष्ट्रीय साझा आलेख संग्रह भी आपके साथ आपके नाम पे से प्रकाशित हुआ है। आपने 500 से ऊपर कविताएं लिखी हैं। आप स्वतंत्र लेखन में जुड़ी हुई हैं, जिसमें आप गद्य पद्य और अनेक विधाओं में लगातार लिखती रहती हैं, लिख रही हैं। आपको तकरीबन 300 से ज्यादा सम्मान मिले हैं। आपने संकल्प लिया है देहदान का, रक्तदान का, नेत्रदान का, और आप सच में आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं गायत्री ठाकुर जी, और आपके लिए हम हमारा मंच आपको यहाँ पर आपका स्वागत करता है। और अब हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी रचना संसार में ले चलिए, और अपनी रचनाओं के जरिए हम सभी को यहाँ पर आशीर्वाद दीजिए गायत्री जी। जी जी सोनाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय हरीश जी, नरेश चंद जी, डॉक्टर नीलम वर्मा जी, आभा चौधरी जी, नीता जोशी जी, और आप सोनाली जी, आप सभी को नमन वंदन और हार्दिक आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज लोहड़ी का पर्व है, हिंदी दिवस, युवा दिवस और लोहड़ी, सभी की शुभकामनाएं। सबको लोहड़ी को बहुत सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। तो माँ शारदे को नमन करती हुई मैं अपना काव्य पाठ चालू कर रही हूँ। पहले दो दोहों से करती हूँ। गणेश और सरस्वती हमारे काव्य पाठ के सहायक माने जाते हैं, देव देव है, तो एक एक दोहा दोनों को समर्पित करती हूँ। विघ्न विनाशक गणपति, एक दंत भगवान, विघ्न विनाशक गणपति, एक दंत भगवान, आए तेरी शरण में, रखना सबका ध्यान ओ देवा, रखना सबका ध्यान। विद्या बुद्धि प्रदान कर, रखना सबका ध्यान। और अभी एक दोहा माँ शारदे के लिए। मात कृपा से होते हैं जग के सारे कार्य, मात कृपा से होते हैं जग के सारे कार्य, दया दृष्टि शारद रखना, सबके करना काज, माता पूरण करना काज। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। प्रथम पूज्य को भी याद कर लिया, माँ शारदा को भी याद कर लिया। जी बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर। विद्या बुद्धि की दोनों ही है, गणेश जी और सरस्वती जी, तो इसीलिए उनका आवाहन जरूरी है। और आपका नाम गायत्री, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब उनके बारे में तो क्या ही कहें, बिना गायत्री मंत्र के हम सनातनी लोगों की पूजा पूरी नहीं होती, दिन की शुरुआत नहीं होती बिना गायत्री जी। और आपको एक बात और नहीं मालूम, सक्षम का अर्थ भी गायत्री होता है। जब ये जब संग्रह के लिए उपनाम चुनना था, तब उस समय गूगल पर सर्च किया था, तो गायत्री का उसने बताया, सक्षम का अर्थ गायत्री बताया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी 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 शुक्रिया।
अब आगे बढ़ती हूँ बहुत सी लोग जी बिल्कुल जी, अब वो हिंदी के ऊपर। अभी हिंदी दिवस से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो जी विश्व एक हिंदी दिवस से जी अपना कार्यक्रम कविता उसी गीत में अपना प्रस्तुत करती हूँ। मेरे मन की भाषा है हिंदी, मेरे दिल की भाषा भी हिंदी। मेरे मन की भाषा हिंदी, मेरे दिल की भाषा हिंदी। गर्व मुझे अपनी भाषा पर, गर्व मुझे अपनी भाषा पर। मेरे देश की भाषा है हिंदी, मेरे देश की भाषा है हिंदी। संस्कृत है जननी हिंदी की, संस्कृत है जननी हिंदी की। देवनागरी लिपि नाम मिला, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी जगह सम्मान मिला, सभी जगह सम्मान मिला। और देखिए क्या खासियत है हमारी भाषा की, तेरा स्वर और पावन व्यंजन से, तेरा स्वर और पावन व्यंजन से पूरा साहित्य लिख जाता है। आधा व्यंजन को पूरा करने अक्षर का सहारा मिल जाता है। वाह आधा करें व्यंजन को पूरा करने अक्षर का सहारा मिल जाता है। छोटे बड़े का भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है, किसी से कोई दुराव नहीं। इंग्लिश में होता है छोटा बड़ा कैपिटल और स्मॉल, हमारे हिंदी में ऐसा कुछ हिंदी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है जी छोटे बड़े का भेद नहीं है, किसी से कोई दुराव नहीं। बिंदु रेफ मात्रा हलन, बिंदु रेफ मात्रा हलन, पूर्ण प्रेम से होता वाक्यांश। गौरवमय इतिहास है उसका, गौरवमय इतिहास है उसका, जिसका कोई शानी नहीं। भारतेंदु जी ने मशाल जलाई, पीछे मुड़कर देखा नहीं, पीछे क्या बात है मुड़कर देखा नहीं। अनुपम वाह के साथ अलौकिक भी, ये अंतिम बंद है। अनुपम के जी साथ अलौकिक भी, हमारी भाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्वभाषा भी बने हिंदी। ये मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्वभाषा भी बने हिंदी। क्या बात जय है हिंदी, बहुत बहुत जय हिंदुस्तान, जय हिंदी जय हिंदी हिंदुस्तान और ईश्वर जी। करिए और सबकी यही मनोकामना है, हम सबकी यही शुभकामना है कि हमारी हिंदी सच में वैश्विक पटल पर भी वही स्थान पाए, वही सम्मान पाए जिसकी वो अखबार है। और ये बहुत सुंदर बिल्कुल आपकी कविता है और जिससे सच जी में हमारी हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें आप जो लिखते हैं वही बोलते हैं और वही पढ़ते हैं, इसमें किसी जी तरह का कोई जी कुछ छुपाव नहीं है। हिंदी हिंदी की वजह से मैंने अपनी पीएचडी छोड़ दी, वो इंग्लिश में कर रही थी क्योंकि मैं अरे वाह 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 देखिए देखिए ऐसे हमारी हिंदी सब हिंदी के लिए प्रेमी लोग वहां पर मौजूद है, तो हमारी हिंदी को वो हक ही नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है। और गायत्री जी आपको डॉक्टर हरीश नवल आपका स्वागत कर रही हैं, वो हमारे साथ जी जुड़े हुए हैं, जी आपको नमस्कार भाई सुन रही साहब हैं जी आपको सुन रही हैं और लगातार आपको आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी रजनीश जी जी हैं, कार्य जी रखवाल जी हैं, और भूमिका जी हैं, हरी शुक्ला जी हैं, पल्लवी नौटियाल हैं, सभी लोग आपकी और जिसे कहते हैं कि आपके लिए डॉक्टर रमा सिंह भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और आपकी हिंदी प्रेम के लिए, आपकी हिंदी की कविता के लिए सभी तारीफ कर रही हैं। हरीश जी लिख रहे हैं उत्कृष्ट हिंदी प्रेम, और जी आपको अभी अभी हरीश जी अमेरिका में है, वो वहां से आपको बहुत नमस्कार बहुत शुक्रिया देंगे शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी सभी का आत्मीय आभार। चलिए अब मैं आपको एक माँ के रूप से संबंधित है, शीर्षक है आंचल की छांव। आंचल की छाव वाह जी, माँ मुझ कुछ पाले तो आंचल की छाव में, माँ मुझ कुछ पाले तो आंचल की छाव में।
मुझे मिलता बड़ा सुकून आंचल की छाओ में, मुझे मिलता बड़ा सुकून आंचल की छाओ में। माँ मैं तेरा प्यारा कान्हा, माँ मैं तेरा प्यारा कान्हा, रहूँ न तुझसे दूर। भैया मेरी प्यारी सुन लो, तुम बिन मैं मजबूर। भैया मेरी प्यारी सुन लो, तुम बिन मैं मजबूर। मुझे देख तू जीती मैया, मुझे देख तू जीती मैया, होती प्रेम विभोर। मेरे कार्यकलापों से होती तेरी भोर, मेरे कार्यकलापों से होती तेरी भोर। माँ मुझको छिपाले तू आंचल की छाँव में, मुझे मिलता बड़ा सुकून आंचल की छाँव में। और अगला, कभी हाँ अगर मैं दिखूं न तुझको, एक बालक की कामना क्या है, अपनी चाह बता रहा है वो। कभी अगर मैं दिखूं न तुझको तो बहबल हो जाती, कभी अगर मैं दिखूं न तुझको तो बहबल हो जाती। मुझे देखने को मैया बाहर भीतर तू जाती, मुझे देखने को मैया बाहर भीतर तू जाती। मेरे हंसने से तू हंसती, मेरे हंसने से तू हंसती, मेरे रोने से तू रोती। मेरी सुख सुविधा की खातिर जीवन अपना अर्पण करती, मेरी सुख सुविधा की खातिर जीवन अर्पण कर देती। और अभी, भूल नहीं सकता माता मैं, भूल नहीं सकता माता मैं तेरा यह पुकार। जन्म जन्म मैं मांगू हरि से तुझको बारंबार, जन्म जन्म मैं मांगू प्रभु से तुझको बारंबार। और देखिए, वसुधा से तुलना की है। माँ तो है वसुधा जैसी, माँ तो है वसुधा जैसी, हरदम देती रहती। जैसे पृथ्वी माँ हमको सब कुछ देती रहती है, उसी तरह से माँ तो है वसुधा जैसी, हरदम देती ही रहती। बिना किसी भेदभाव के माता, बिना किसी भेदभाव के माता, अपना प्यार लुटा देती। बिना किसी भेदभाव के माता, अपना प्यार लुटा देती। कैसे चुकाऊं कर्ज तेरा, कैसे चुकाऊं कर्ज तेरा, नहीं है माँ मेरी बिसात, तेरी आंचल की छाया में मिलती मुझको सब सौगात। तेरे आंचल की छाया में मिलती मुझको सब सौगात। माँ मुझको छिपा ले तू आंचल की छाओ में, माँ मुझको छिपा बहुत ले तू आंचल की छाओ में, मुझे बहुत मिलता बड़ा सुकून माँ तेरे आंचल में। सही बात, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये माँ का आंचल ना हर कोई जीवन भर चाहता है, कोई इससे दूर नहीं होना चाहता। और वो इंसान इस कमी को, इस दर्द को और ज्यादा महसूस करता है जो अपनी माँ से दूर हो चुका हो। तो उन सभी माओं को, उन सभी माओं को, उन सभी बच्चों को खूब 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 प्यार, और उन सभी माओं को नमन। आपकी इस कविता के जरिए हम सभी अपनी अपनी माओ को याद कर रहे बिल्कुल, हैं। और जिनकी माँ नहीं है उनको तो और भी अधिक। जी आप जी भी रुवासी हो गई हैं, मैं भी रुवासी हो गई हूँ। मुझे तो साल भर भी नहीं हुए और अपनी माँ से दूर हुए। तो माँ की कमी क्या होती है, ये हम सभी महसूस कर सकते हैं। जी और अपने ऊपर कंट्रोल करके यही कहती हूँ कि मैं एक माँ, मैं भी हूँ। तो आपकी उन सारी कविता का जो मेरा कमी थी अपनी माँ को, जो मैं खो चुकी, वो कमी को मैंने दरकिनार किया, और आपकी उस कविता को मैंने एक माँ के रूप में अपने साथ जोड़ा। क्योंकि मैं खुद जी माँ हूँ ना, तो फिर मैं अपने जी बच्चे को जी याद करके उस कविता को याद कर रही थी, सुन रही थी। जी बहुत जी अच्छा किया और बहुत अच्छा लिखा आपने। पल्लवी नाथियाल कह रही हैं कि
भावुक कर दिया जी आपकी बहुत इस बहुत कविता बहुत ने। बहुत शुक्रिया जी, सभी का, बहुत और बहुत रश्मि शुक्रिया। गोयल जी भी कह रही हैं बहुत शानदार लिखा आपने, और नीता जोशी जी भी लिख रही थी वात्सल्यपूर्ण है आपकी रचना, और हमने तो, अच्छा नीता जी कह रही हैं उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, तो मैंने भी अपने माता पिता बचपन में खो दिए। पिताजी बताइए पहले शांत हुए, माँ उसके बाद में। बताइए, मतलब क्या जी बोले इस बात को, लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो एक रिश्ता है माता पिता के साथ का, वो था जी मतलब, खैर वो बोला नहीं जा सकता, महसूस किया जा वो सकता है, तो और अवर्णनीय है। भावुक क्षण है हरीश 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 जी को भी माँ माँ की याद आ गई लिख रहे जब, हैं। ये जो हमारा नाल का जो रिश्ता है ना माँ के साथ का, जो कि एक नाल और जो एक होता है बच्चे का, वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, वो पता नहीं क्यों वो कभी हमेशा एक दर्द टीस कभी लगातार नहीं। देता है। तो खैर चलिए, आपकी अगली रचना सुनते हैं जी सुनते हैं। जी 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 अब मैं एक देश प्रेम से युवाओं को संबोधित करती हुई एक रचना करती हूँ। धरा कह रही है, गगन कह रहा है, धरा कह रही है, गगन कह रहा है, बहती हवाओं की ये फिजा कह रही है, जागो रे जागो मेरे वतन के सपूतों, जागो रे जागो मेरे वतन के सपूतों, क्रांति लहर ये कहे जा रही, सरहद जाके देखो भू का है खंजर, सरहद जाके देखो भू का है खंजर, ना पाके रातों का वो है एक भवंडर, ना पाके रातों का वो है एक भवंडर, उसका सफाया करो शमशीर उठा कर, जोर से गरज कर झट से लपक कर, बांधे कफन टूटो बैरियों के दल पर, अरे का सफाया करो रण में तुम जाकर, अरे बहुत का सुंदर, सफाया करो रण में तुम जाकर, गौरव से ऊंचा मस्तक उठाकर, यही इल्तिजा है, यही आरजू है, यही इल्तिजा है, यही आरजू है, माटी तो तुमसे लहू मांगती है, माटी तो तुमसे लहू मांगती है, जश्न आजादी का बिगुल तुम बजाओ, जश्न बिल्कुल आजादी का बिगुल तुम बजाओ, मदरे वतन को तुम टीका लगाओ, माँ भारती को टीका लगाओ, भारती को टीका लगाओ, जय हिंद जय भारती, जय हिंद जय भारत, वंदे सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मतलब एक जी। ओतप्रोत देश प्रेम से भरी हुई, और बहुत अच्छी रचना आपकी, और सभी आपकी इस रचना की भी बहुत बहुत प्रशंसा कर रही हैं। अज्ञात जिज्ञासा जी हैं वो जय हिंद लिख रहे हैं, और पल्लवी नौटियाल जय माँ भारती, और जैसे नीता जोशी जी नीलू मेहरा जी,
और वो भी लिख रही हैं आपकी कविता की पंक्ति पर, क्या बात माटी तो तुमसे लहू मांगती है, और जी सही बात है। और नीता जयसिंह जी भी लगातार जुड़ी हैं, और अच्छा लग रहा है आप आपके साथ में यहाँ पर इतनी खूबसूरत कविता सुन है। और हरी सेवन जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय गायत्री जी कितने शुक्रिया भैया, सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी गायत्री जी आपकी जी आपकी रचना जी जी अब मैं एक कविता पढ़ती हूँ, ये भी अपने युवाओं से संबंधित है, मगर वो राष्ट्र प्रेम की थी, देश पर समर्पण की, ये थोड़ा उनको नसीहत देने के संबंध में है। जी तो उसका रमा सिंह जी शीर्षक है, की बहक न पाए बात कदम, जी बहक न पाए। जी बहुत सुंदर। एक डॉक्टर रमा सिंह जी हमारे संग अभी भी जुड़ी हुई है, उनका बहुत बहुत जी धन्यवाद करते हैं। और वो जी आपके जी लिए लिखी है, अच्छा भावपूर्ण गीत है जो आपने अभी हमें अपने देश प्रेम की रचना सुनाई उसके लिए लिख रही है। जी मैंने भी आदरणीय रमा जी की कल पूरा सुना था, देखा था, और जी थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, इधर उधर सरक जाता है ना, ये टच स्क्रीन हाँ, वो मोबाइल सेट करने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैं लिखना अवॉइड करती हूँ, फिर जुड़ने में जी दिक्कत हो जाती है। तो ये उसका शीर्षक है, बहक ना पाए कदम। राष्ट्र की अनमोल धरोहर है नौनिहाल, राष्ट्र की अनमोल धरोहर है नौनिहाल, कंधों पर जिनके रखा हुआ है, कंधों पर जिनके रखा हुआ है रक्षा का दारोमदार, रक्षा का दारोमदार। गलत सोशल साइट्स का उपयोग करके, ये आजकल मोबाइल में जो बच्चे देखते हैं उसी के संबंध है, गलत सोशल साइट्स का करके उपयोग करते स्वजीवन का अनुपयोग, जी करते स्वजीवन को अनुपयोग, बाल मन होता है जिज्ञासु, बाल मन होता है जिज्ञासु, खुले रखता है अपने चक्षु, खुले रखता है अपने चक्षु। तो बच्चे का मन तो होता ही है, मोबाइल खोला तो मैं ये भी देख लूं वो भी देख लूं, तो बाल मन होता है जिज्ञासु, खुले रखता है अपने चक्षु, और फिर देखते हैं वह जो नहीं देखना चाहिए, सबके लिए नहीं है, पर कुछ तो होते हैं जो नोटोरियस होते हैं, बिल्कुल देखते हैं वह जो नहीं देखना चाहिए, और अनजाने ही करते हैं वह जो नहीं करना चाहिए। अब उनको खुद नहीं मालूम रहता कि वो क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट सही निकलेगा, और अनजाने ही करते हैं वह जो नहीं करना चाहिए। अब माँ बाप से प्रश्न है, क्यों देते हैं माँ बाप उनको छूट इतनी, क्यों देते हैं माँ बाप उनको छूट इतनी, क्यों नहीं है सरकार गंभीर इतनी, क्यों नहीं है सरकार गंभीर इतनी, खुलेआम बच्चे करते हैं, खुलेआम बच्चे करते हैं चैटिंग भरपूर, भरा रहता है जिसमें अश्लील मसाला भरपूर, भरा रहता है जिसमें अश्लील मसाला भरपूर, बलात्कार और यौन उत्पीड़न, बलात्कार और यौन उत्पीड़न, भर जाता उन बातों से उनका तन बदन। जब इन्हीं चीजों को वो देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों को भी वही शारीरिक अनुभूति होने लगती, भर जाता उन बातों से उनका तन बदन, देते हैं उसको अंजाम करके पूरा इंतजाम, देते हैं उसको अंजाम करके पूरा इंतजाम। अब जब इस तरह की गलत हरकतें करने लगते हैं तो इसीलिए माँ बाप और परिवार को एक सलाह है, माँ बाप और परिवार को ध्यान रखना चाहिए, हर संभव, जहां तक संभव हो, हर संभव औलाद पर निगाह रखनी चाहिए, हर संभव औलाद पर निगाह रखनी चाहिए, सरकार भी बनाए कानून वयस्कता का ध्यान रखते हुए, ये मेरे विचार है, सरकार भी बनाए कानून वयस्कता का ध्यान रखते हुए, बहक ना पाए कदम,
सोशल साइट्स पर जाते हुए, बहक न पाए कदम सोशल साइट्स पर जाते हुए, कुछ ऐसा प्रावधान हो कि इस तरह के बच्चे ना देख सके उसको, यही मेरी सोच। बहुत अच्छा, आपने इसको विषय आपने सुना है और आपने अपने जरिए अपने अवतार के जरिए दीदी जुड़ गई है। दीदी नमस्कार। इसने सुधा जी लिख रही है सच्चा गायत्री की, और इसके साथ ही बहुत सारे हमारे दूसरे तमाम दर्शक भी लिख रहे हैं कि आपने अज्ञात जिज्ञासा लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा विषय ये चुना है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपने संदेश दिया है, जो चिंता दिखाई है। कमलेश कुमार जी भी है, वो भी लिख रहे हैं। हरीश सेवल जी लिख रहे हैं सही विचार है, और कमलेश कुमार दीवान जी है वो आपका स्वागत कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी सभी का नमस्कार और धन्यवाद। पल्लवी जी लिख रही है समसामयिक चिंतन है ये, और वाकई इस समय की सबसे बड़ी वाली ये हमारी, देखिए अब जिस तरह से कोरोना ने हम सबको ऐसे अपने दायरे में महदूद कर दिया है, हम लोग वहां से निकल नहीं सकते, वहां से बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा सोशली हम मिल नहीं सकते, तो हमारे लिए ऑनलाइन रहना अपने नेटवर्क के जरिए, अपनी नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, मोबाइल के जरिए हम लोग को रहना बहुत जरूरी है इस तरह से जुड़कर। लेकिन जो एक अच्छी चीज है तो उसका कुछ बुरा पहलू भी है, तो आपने उसके बुरे पहलू की तरफ से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है इस चिंता के जरिए, तो बहुत जरूरी है और इस बात को लेकर की हर एक को ध्यान देना जरूरी है। और गायत्री जी जो शिक्षिका होती है ना, वो आजीवन शिक्षिका रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जी। इस कविता के जरिए जो आपने अपनी चिंता दिखाई है वो भी हम समझ सकते हैं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए कितनी परेशान है और उनकी आप अच्छाई चाहती हैं, आप चाहती हैं कि वो अपने दायरे में रहे और अपने संस्कार से जुड़े रहे। और आपकी बात ये थोड़ी सी रामायण से संबंधित है। उर्मिला का नाम तो सबने सुना ही होगा जी, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला। तो मेरा शीर्षक है बुत बनी उर्मिला रह गई। पिता को शीश नवा करके, जब ये लोग बन जा रहे हैं उस समय की घटना को मैंने लिया है, पिता को शीश नवा करके माता चरणों को छू करके, पिता को शीश नवा करके माता चरणों को छू करके, भ्राता की सेवा करने को, भ्राता की सेवा करने को परछाई राम की बनने को, सीता को सहारा देने को, सीता को सहारा देने को आज्ञा का पालन करने को, झट वलकल बसन, झट वलकल बसन पहन वन जाने को तैयार, वन जाने को तैयार लगे। भाई की सेवा भी करना थी, सीता जी को भाभी को सहारा भी देना था, तो इस वजह से लक्ष्मण जी तैयार हुए। झट वलकल वसन पहन वन जाने को तैयार रखा। लेकिन अब देखिए क्या है, उर्मिला से कैसे मिले, साहस न था अंदर जाने का, साहस न था अंदर जाने का, उर्मिला से आंख मिलाने का। क्या कहूंगा मैं उससे, क्या कहूंगा मैं उससे जब नैनों से अश्रु बरसे, क्या कहूंगा मैं उससे जब नैनों से अश्रु बरसे, चल दिए चुपचाप लखन बोले ना मुख से एक वचन, चल दिए चुपचाप लखन बोले ना मुख से एक वचन। अब देखिए लक्ष्मण जी तो चले गए, तो क्या भागी भागी आई उर्मिला, भागी भागी आई उर्मिला हाथों में लेकर माला, भागी भागी आई उर्मिला हाथों में लेकर माला, छत्राणी धर्म निभाने को पति चरणन शीश नवाने, छत्राणी धर्म निभाने को पति चरणन शीश नवाने को। प्राचीन अपने रीति रिवाज यही थे, हालांकि आजकल नहीं है उतना, लेकिन तो हाथों में लेकर माला छत्राणी धर्म निभाने को पति चरणन शीश नवाने को। रह गई सजी पूजा की थाली, लक्ष्मण तो जा चुके थे, रह गई सजी पूजा की थाली चंदन कुमकुम रोली वाली, चंदन कुमकुम रोली वाली। सुनने को मीठे मधुर नैन,
सुनने को मीठे मधुर बहन उर्मिला हो गई बेचैन। लग रहा था कि कब लक्ष्मण जी की आवाज सुनने मिल जाए। तो सुनने को जी मीठी मधुर बहन उर्मिला हो गई बेचैन। 14 वर्ष पति के बिना, 14 वर्ष पति के बिना कैसे रहूंगी मैं तन। अपने आप से सोच रही है, 14 वर्ष पति के बिना कैसे रहूंगी मैं तन्हा। अंत में थी उसके वेदना, अंत में थी उसके वेदना, जीवन हो गया सूना। अंत में थी उसके वेदना, जीवन हो गया सूना। ठगी सी वह रह गई, नैनों से धारा बह गई। ठगी वाह सी वह रह वाह गई, नैनों से धारा बह गई। बुत बनी उर्मिला रह गई, बुत बनी उर्मिला रह वाह, गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक वो सच उर्मिला का दर्द, उर्मिला की पीड़ा कौन समझ पाया? कोई नहीं समझ पाया। लक्ष्मण तो सच बात है, अपना भ्राता धर्म निभाने चल दिए, लेकिन पति धर्म नहीं निभा पाए, पत्नी को छोड़ गए। और ये जो दर्द है, ऐसा उसको आपने बखूबी अकेला है। कहते वाह हैं कि उर्मिला जी 14 बरस वही खड़ी रह गई थी। सही लोक बात, कथाएं हैं क्या इसके आधार। क्या बात, ठगी सी वहीं खड़ी रह गई उर्मिला। काट हो जी गई, प्रस्तर प्रतिमा में तब्दील हो गई। और कमलेश कुमार दीवान जी लिख रहे हैं, बहुत खूब कहा है गायत्री ठाकुर की आपने, आपकी इस कविता जी की बहुत प्रशंसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग आपकी इस कविता की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और कुछ कुछ वही दर्द है जो यशोधरा का हुआ होगा जब गौतम बुद्ध छोड़कर गए होंगे। जी जी हाँ, उर्मिला उसका यशोधरा और सिद्धार्थ का जी यही हुआ यशोधरा कवि। था। और मतलब जिसे कहते हैं कि वो दर्द और वो कष्ट आपने अपनी कविता में उकेरा है। बहुत अच्छा लगा आपको अपने साथ जुड़ा देखकर, आपकी कविताओं के माध्यम से आपको जानकर। और स्नेही सुधा जी फिर लिख रही हैं, भावों से परिपूर्ण रही आपकी रचना। जी और दीदी थैंक यू दीदी। जी गायत्री ठाकुर जी, आपसे अब हाथ जोड़ के विदा चाहूंगी, क्योंकि मेरी अगली कवियत्री का वक्त अभी मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपके साथ इस सत्र को और थोड़ा आगे बढ़ाऊं। आप समझ सकती हैं, मेरे समय की मांग है आधा जी आधा का। हाँ तो अब मेरे साथ हमारी अगली कवियत्री को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। जी मैं बहुत हमारे शुक्रिया, बीच आप सभी का आत्मीय आभार और जी उनका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत। आपसे संपर्क बहुत अच्छा जी लगा जी। इस मंच की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सोनाली जी और अभी जुड़ी नहीं है। प्रीति अच्छा जी, हाँ प्रीति जी अभी जुड़ी नहीं है, तो दीदी से बोले कि ठीक है मिश्रा हाँ जी, मैं हाँ दे सकती हूँ। मैं तो बिल्कुल बैठी बिल्कुल, रह जी, क्या बात है। कोई एक प्रॉब्लम। तो कविता और एक चलिए जब तक कविता। और एक मैं हनाक्षरी सुनाती हूँ। जब तक कोरोना काल में श्रमिकों की मनोदशा पर कि काम की तलाश में निकले थे घर छोड़, कि काम की तलाश में निकले थे घर छोड़, काम ही रहा नहीं उपाय तो बताइए, कि काम ही रहा नहीं उपाय तो बताइए। मजदूर निकले थे काम की तलाश में, लेकिन काम ही छूट गया उनका। काम छूटा धाम छूटा कोरोना का कहर टूटा, काम छूटा धाम छूटा कोरोना का कहर टूटा। फिर रहे दर बदर ठिकाना तो बताइए, फिर रहे दर बदर ठिकाना तो बताइए। और फिर क्या है, घर जाने को वापस होते हैं तो पीठ पर रखा झोला हाथ में लिया थैला, पीठ पर रखा झोला हाथ में लिया थैला, बच्चों के हाथ पकड़ रास्ता तो बताइए, बच्चों के हाथ पकड़ रहा तो बताइए। और गठरी को सिर पे रख, गठरी को सिर पे रख परिवार साथ ले, गठरी को सिर पे रख परिवार साथ ले, भागते आए हम ट्रेन तो बताइए, भागते आए हम ट्रेन तो बताइए। ट्रेन ही नहीं थी जब आए बेचारे, तो अच्छा फिर सोचते हैं चलो भाई पैदल चले, चलो भाई पैदल चले घर की ओर चले, चलो भाई पैदल चले घर की ओर चले, शायद बच जाए हम, कोई मदद तो कराइए, कोई वाह मदद तो कराइए। और फिर उसके बाद अब तो ईश्वर ही है मालिक, तो अब कोई साथ नहीं जीवन की आस नहीं,
अब कोई साथ नहीं, जीवन की आस नहीं, मालिक हाथों सौंप दिया तू ही तो बचाई, मालिक बहुत सही, हाथों सौंप दिया तू ही तो बचाई जी। बहुत 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 सही, शुक्रिया सर। बहुत सही। और अब मुझे लगता है कि अब हमारे साथ हमारी अगली कवियत्री प्रीति त्रिपाठी जुड़ चुकी है।